जो लोग भोजपुरी लवर हैं ये वीडियो उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बाबुल ट्रेलर की रिव्यू करेंगे। इस ट्रेलर ने तो साबित कर दिया है कि भोजपुरी में अश्लीलता के अलावा भी ऐसी मूवी बनाई जा सकती है। इसे साबित किया है अवधेश मिश्रा ने। यह वही अवधेश मिश्रा है जो अक्सर मूवी में विलन का रोल करते आ रहे हैं। इन्होंने तो भोजपुरी की डूबती नैया को बचाने का काम किया, बाकी लोग तो एक दूसरे की बुराई में लगे हैं। भोजपुरी मूवी में अक्सर आपने देखा होगा, टूटी फूटी कहानी को जोड़ के हर 10 मिनट में गाना घुसा के मूवी तैयार कर देते हैं। वो शायद इस मूवी को देख के कुछ सीख जाए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं बाबुल के ट्रेलर की। इसमें म्यूजिक बहुत ही अच्छी है जो अक्सर भोजपुरी के किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिलती। इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस सबने अच्छी तरह से निभाया है। यह कहानी बुलो करती है ऐसे पिता की जिनकी 2 बेटियां हैं और उनकी माँ नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस मूवी को। इस मूवी में आपका अवधेश मिश्रा लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस मूवी को खुद डायरेक्ट किया है। आप सोचो जरा, जब ट्रेलर ऐसी है तो मूवी कैसी होगी। मैं तो इस मूवी का बेसब्री से रिलीज होने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भोजपुरी में ऐसी मूवी कभी कभी बनती है। भोजपुरी इंडस्ट्री जिसके लिए जानी जाती है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। ऐसे में अवधेश मिश्रा ने जुगनू और बाबुल जैसी मूवी बनाकर अपने आप को लोहा मनवाया। यह मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। इसमें भोजपुरी का थोड़ा बहुत तड़का लगाया गया है। ये मूवी देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि भोजपुरी में इसी तरह का मूवी बनाना चाहिए जिसके लिए वो जाना जाता था। इस मूवी में आपको कॉमेडी तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये मूवी आपको इमोशनल जरूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।